जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जब भी धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले सब चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती, समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा, अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख।